कल के क्लास में जो क्वाड्रिलेटरल का मैंने जो थ्योरम करवाया था, अब उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ना? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, इन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दिस इज 12x, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है 7y, दिस इज 28 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री, बनाओ एक्स एंड वाई की वैल्यू, बताओ क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, 12x इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से एक्स इक्वल टू 60/12, दिस इज 5, और 7y इक्वल टू 28, तो y इक्वल टू 28/7 यानी 7 4 4, तो y इक्वल टू 4, अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट लगाया, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर फाइंड द फोर एंगल्स ए बी सी एंड डी इन द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें सभी फोर एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो करें फाइंड आउट चारों एंगल, ए बी बी सी, ए 2a 5a और दिस इज 3a, करो फाइंड आउट ए बी सी डी एंगल फाइंड आउट करना है आपको। सर क्या आया, ए ए एंगल बताओ कितना आया, सर 90 डिग्री, बी सर ऑल द एंगल्स वर 90 डिग्री, ओके हाँ ठीक है, सभी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सही है। अब देखो फोर एंगल, अब जैसे ये तीनों एंगल, ये जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल बी सी डी बताया था, ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है आपका 180, 2a 5a 3a, सबको ऐड कर दिया, दिस इज 180, ये हो गया आपका 10a इक्वल टू 180, तो a इक्वल टू हो गया आपका 18 डिग्री। अब 2a निकाल लो, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 18, दिस इज 36 डिग्री, 5a 5 इंटू 18, दिस इज 90 डिग्री, और आप 3a भी निकाल लें, तो 5 इंटू 8 सॉरी 3 3 इंटू 54 डिग्री, तो एक एंगल तो आपका हो गया, 5a जो है एंगल C के इक्वल है, एंगल C तो हो गया, और यहाँ क्या ये 3a है, तो इस ए दिस इज 3a, अल्टरनेट से क्या हो गया, ए बी आ गया आपका 3a, तो एंगल डी जो हो गया वो हो गया आपका 3a + 2a, दिस इज 5a, ए बी हो गया 5 इंटू 18, दिस इज आल्सो 90 डिग्री, और ए 2a है तो अल्टरनेट से ए बी आपका 2a हो जाएगा, तो दिस इज आल्सो एंगल बी इज 2a + 3a, दिस इज 5a, तो 5 इंटू 18 डिग्री, दिस इज आल्सो 90 डिग्री। अब तीन एंगल तो आपको पता चल ही गया है, एंगल डी एंगल सी एंड एंगल बी इज 90 डिग्री, तीनों 90 है, और चारों एंगल का सम कितना होता है 360, अब तीन एंगल आपको मालूम है 90, तो 360 - 270, तो थर्ड फोर्थ एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें। क्वेश्चंस क्या है, इन फिगर ए एन एंड सी पी आर द परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज ए डायग्राम आपका क्वेश्चन में दिया हुआ। दिस इज ए बी सी डी और ये आपका हो गया बी डी डायगोनल। क्वेश्चन में कह रहा है बी डी डायगोनल, ऐसे भी फिगर दिया हुआ है। तो ए एन, दिस इज ए एन एंड सी पी आर परपेंडिकुलर टू द डायगोनल बी डी ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये डायग्राम में दिया हुआ है 1 8 2। तो अपने को क्या करना है, ट्रायंगल ए डी एन, ट्रायंगल ए डी एन, दिस इज एन और ये आपका पी है। तो ट्रायंगल ए डी एन ए वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सी बी पी, दिस इज सी डी पी, सी बी पी ए ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल क्या है, कंग्रुएंट आपको प्रूफ करना और ए एन इज इक्वल टू सी पी प्रूफ करना। तो करते हैं प्रूफ, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो ए बी इज पैरेलल टू बी सी, ये तो खैर पैरेललोग्राम का कंडीशन होता है। नाउ ए बी इज पैरेलल टू बी सी है एंड ट्रांसवर्सल बी डी। देखो ए डी इज पैरेलल टू बी सी और बी डी ट्रांसवर्सल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट एट बी एंड डी, दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखो नाउ सिमिलर ट्रायंगल ए डी एन एंड ट्रायंगल सी बी पी, सी बी पी ये दोनों ट्रायंगल की अगर बात करें, दोनों में क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ए ट्रायंगल एंगल और ए एंगल इक्वल हो गया। उसके बाद फिर ए 90 डिग्री है, दिस इज, तो एंगल ए एन डी इक्वल टू सी पी डी, दिस इज 90 डिग्री से इक्वल हो गया। और ए डी इज इक्वल टू बी सी, दिस इज बी सी और ए डी आपस में इक्वल है। तो लगा दो इसमें एंगल एंगल साइड, क्राइटेरियन ऑफ कंग्रुएंस क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए बी एन इज कंग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल सी बी पी। ये पहला प्रूफ हो गया, कल भी मैंने प्रूफ में बताया था पहला कंग्रुएंस हो गया। तो किसी को भी किसी के बराबर कर दें तो ए एन इज इक्वल टू सी पी भी प्रूफ हो गया। मतलब अगर आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी सिर्फ आता है ना तो फर्स्ट क्वेश्चन को तो यहाँ तक प्रोसीड करना ही पड़ेगा। मतलब कुछ भी पूछे आपको ये सिमिलर ट्रायंगल लाना ही पड़ेगा, तब जाके आप जो पूछ रहा है उसको आप डायरेक्ट लिख दो। कभी मैंने ये कंसेप्ट बताए थे। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम डी ए बी, डी ए बी 60 डिग्री, इफ द बाइसेक्टर ए पी एंड बी पी बाइसेक्ट द एंगल ए एंड बी, मीट एट पी ऑन सी डी, प्रूव दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो आपको प्रूफ करना है कि पी जो है सी डी का मिड पॉइंट है। तो कब प्रूफ होगा, जब आप ए ला दो, सी पी इक्वल टू डी पी अगर प्रूफ कर दोगे तो P जो होगा वो सी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा। करो ट्राई, देखो। तो क्वेश्चंस आपका क्या दिया हुआ है, बी ए बी
ये 60 डिग्री दिया हुआ है, आ गया दिस इज डी ए बी, और डायग्राम से भी दिख रहा है डी ए बी 60 डिग्री दिया हुआ है। तो डी ए बी, डी ए बी मतलब डी ए बी एंगल, तो एंगल, तो एंगल ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए प्लस बी ए 60 है और दिस इज ए हो जाएगा आपका 60 नहीं, एंगल ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री, क्योंकि 60 और तो 180 डिग्री, और एंगल ए आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी आप इजली निकाल सकते हो, दिस इज एंगल बी 120, ऐसे भी डायग्राम से भी आपको दिख रहा है। अब क्या दे रखा है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ट्रांसवर्सल ए पी जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी, दैट इज पी ए बी दिस एंगल, और एंगल ए पी बी एंगल अल्टरनेट एंगल से ये दोनों पैरेलल था और इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल हो गए अल्टरनेट से, और एंगल ए तो दिया हुआ है आपका पी ए बी, पी ए बी 30 डिग्री है, तो एंगल ए पी डी भी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। इन ट्रेंगल ए पी डी की बात करते हैं, ए पी डी ए वाले ट्रेंगल, ए पी डी दिस इज दिस ट्रेंगल, ए पी डी ट्रेंगल की बात करते हैं, इसमें क्या है एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए पी डी, ए पी डी इज इक्वल टू पी ए डी, ए एंगल ए 30 है, ए और एंगल भी 30, तो दोनों एंगल आपस में क्या है इक्वल है, एंड ए डी इज इक्वल टू पी डी, अब दो मालूम है दो एंगल इक्वल हो गया, इसका अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाएगा आइसोसेलस ट्रायंगल से, तो ए डी इक्वल टू पी डी हो गया, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब तो ये मैंने एंगल ए का निकाला, अब एंगल बी के लिए सॉल्व करते हैं, तो एक बार मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं, का 60 है ये आपका 60 है, ठीक है डायग्राम बना हुआ है, अब बी के लिए कर लेते हैं, जैसे ए के लिए किया ना वैसा का वैसा बी के लिए करते हैं, जैसे बी पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल पी बी सी, ये क्या दिया हुआ है डायग्राम में 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ए बी इज पैरेलल टू बी सी, सेम कंसेप्ट है जो एंगल ए के लिए किया था, ट्रांसवर्सल बी पी क्या कर रहा है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एंगल सी पी बी दिस इज, ये दोनों एंगल सी पी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी अल्टरनेट से, अल्टरनेट से ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, मतलब आपका सी पी बी और ए बी पी क्या है 60 डिग्री, तो सी पी बी भी क्या हो गया आपका 60 डिग्री हो गया, मतलब इन ट्रायंगल सी पी बी क्या हो गया एंगल सी पी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी पी, क्योंकि दोनों 60 डिग्री है, तो दो एंगल सेम है, ए एंगल एक एंगल के अपोजिट है, वर्टेक्स सेम हो जाएगा आइसोसेलस ट्रायंगल, तो सी पी इक्वल टू बी सी और सी पी इक्वल टू बी सी,
और बीसी किसके इक्वल है, एडी का, दिस इज एडी, ऐसे का। तो फर्स्ट आपका क्या आया था, दिस एडी इक्वल टू पीडी आया था, क्या था, एडी इक्वल टू पीडी आया था फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से एडी इक्वल टू पीडी और एडी इक्वल टू सीपी, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, पीडी इक्वल टू सीपी हो जाएगा, दोनों ये दोनों आपस में इक्वल होगा, इक्वल होगा तो पीडी क्या हो जाएगा, इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ हो गया, सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू ई सो दैट बी इज इक्वल टू ए बी, प्रूव दैट ई डी बाइसेक्ट टू बी सी। तो मैं इसको आपको डायग्राम तो पर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो डायग्राम से मैं हेल्प कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसमें बना देता हूँ आपका पैरेललोग्राम, दिस इज ए बी सी डी। अब क्या कह रहा है कि ए बी इज प्रोड्यूस, ए बी को आगे प्रोड्यूस किया गया, दिस ए बी को प्रोड्यूस किया, दिस ए बी को प्रोड्यूस किया गया, कहां तक, ई तक प्रोड्यूस किया गया, कि बी ई, बी ई इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो प्रूव दैट ई डी, मतलब ई डी इसको मिलाना पड़ेगा, प्रूव दैट ई डी बाइसेक्ट बी सी, ई डी बाइसेक्ट बी सी को बाइसेक्ट कर रहा, और तो इसको अपन क्या मान लेते हैं ओ, तो अपने को क्या करना है, ई डी बाइसेक्ट बी सी, इसका मतलब क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ओ जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा बी सी का, मिड पॉइंट हो जाएगा मतलब BO इज इक्वल टू OC आपको लाना है, करो क्या देखा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AB इज पैरेलल टू DC और दिस इज पैरेललोग्राम है, तो ये जो एंगल है ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये अल्टरनेट लाइन है, इसको वन मान लेते हैं, इसको टू मान लेते हैं, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। अब सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी इज इक्वल टू BC, क्योंकि AB इज गिवन टू BE क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूं, गिवन AB इज इक्वल टू B, तो BE इज इक्वल टू BC, दिस इज सेकंड, दस सिमिलर ट्रायंगल BOE एंड ट्रेंगल सी ओ डी, इसकी बात कर रहे हैं, ट्रेंगल बी ओ ई, बी ओ ई दिस एंड सी ओ डी इस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, इसमें एक तो हो गया एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, तो दिक्कत नहीं है, इसको मान लेते हैं थ्री और इसको मान लेते हैं फोर, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर एंड बी इज इक्वल टू डी सी, बी इज इक्वल टू डी सी जो कि मैंने सेकंड में लाया, तो लगा दो एंगल एंगल साइड कंग्रुएंस, ट्रेंगल बी ओ ई जो हो गया वो कंग्रुएंट ऑफ ट्रेंगल सी ओ डी, अगर दोनों कंग्रुएंट हो गया, बाकी जिसको भी इक्वल करना हो, बी ओ इक्वल टू सी ओ, बी ओ सी ओ इक्वल हो गया
मतलब ओ इज द मिड पॉइंट, ओ मिड पॉइंट हो गया, फिर इसके बाद लिख देना ईडी इज बाइसेक्टर बीसी। क्वेश्चन कह रहा है कि टू अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज दिस, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, बताओ क्या होगा आंसर, क्या है आंसर? सर टू एंगल्स वर 37 डिग्री एंड सर टू एंगल्स वर 143 डिग्री। सही है, कल का एक कंसेप्ट है टू अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर दिस। तो कल मैंने अगर याद हो तो बताया था कि टू अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम्स, दोनों अपोजिट एंगल क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, ऑलवेज सेम होते हैं, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 50 माइनस x, इसको इधर भेज दो इसको इधर भेज दो, 3x प्लस x इज इक्वल टू 50 प्लस 2 4x 52, x इक्वल टू 52 अपॉन 4 x इक्वल टू 13 हो गया। अब x 13 हो गया तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दें 3x माइनस 2 या 50 माइनस x जिसमें से पुट करना चाहे, तो 3 इंटू 13 माइनस 2 39 माइनस 2 दिस इज 37। इसमें पुट करेंगे तो वही आएगा, तो अपोजिट एंगल, तो दो एंगल तो हो गया आपका 37 डिग्री और 37 डिग्री, और बाकी दो पूछ रहा है। तो आपको याद हो कि सभी एंगल का सम क्या होता है 360, तो 37 प्लस, अब ये दोनों एंगल मान लिया निकल जाए तो बाकी का दो एंगल आपको पता करना है। तो एक काम करते हैं दोनों को मान लेते हैं वाई वाई, तो दोनों एंगल तो सेम होगा 2/360, इससे आप निकाल लें हो जाएगा 143 डिग्री, ये 140 डिग्री, मतलब 37 डिग्री 143 डिग्री और 143 डिग्री हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्या कह रहा है कि इतने एंगल ऑफ पैरेलल 2/3 ऑफ द एडजेसेंट एंगल, एक एंगल एक्स है तो दूसरा एंगल क्या हो गया 2/3x, एंगल और उसका एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री, इसको हो गया 5/3x 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 3/5, x आ गया 108 डिग्री, x आ गया तो बाकी काम आपका हो गया, एक एंगल 108 दूसरा 2/3 इंटू 108 3×9 = 6 72 डिग्री हो गया, बाकी एंगल भी फाइंड आउट हो गए, 272 डिग्री हो गया और 2/108 डिग्री एंगल हो गया। ये मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, कल की क्लास में और भी इसके आगे के थ्योरम डिस